जिला के समस्त आदरणीय नागरिकगणों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग नए साल में देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत होकर समाज के प्रति अपने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से उत्प्रोत होकर कार्य करें ताकि सभी का कल्याण हो। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर डीपी सिंह पूरे अंगवासियों को स्वस्थ रहने की कामना करते हुए नमन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार तीसरे साल कोरोना का काला साया हम लोगों पर पड़ रहा है, तो सब लोगों से अपील करता हूं कि आप मास्क लगाना न भूलें और भीड़ में जाने से बचें। 73वें गणतंत्र दिवस पर मेरा भागलपुर एवं बिहार के वासियों को हार्दिक अभिनंदन। अभी तो कोविड की मार से हम लोग उभरे ही नहीं थे कि फिर से कोविड का ये प्रकोप आ गया है। गणतंत्र दिवस उल्लास का समय है, उल्लास से हमें मनाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कोविड के नियमों का, जो सरकार के तरफ से गाइडलाइंस हैं, उनका पालन उतना ही जरूरी है। और उसमें है 3 हाथ की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और मास्क का प्रयोग कभी नहीं रुकना चाहिए। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। 73वें गणतंत्र दिवस पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई। संविधान दिवस इसको कहा जाता है, और संविधान दिवस का मतलब है कि आप कानून का, देश के कानून का पालन करें, चाहे वो सड़क सुरक्षा से हो या कोई अन्य हो। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और स्पीड पर नियंत्रण करें। और कोरोना अभी गया नहीं है, अभी उससे जंग जारी है, हम लोग मिलकर उसे हराएंगे। और इसके लिए जरूरी है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, तभी कोरोना भागेगा और हम लोग जंग जीत पाएंगे। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हेलोमेट्स परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तीसरा भी आने के कगार पे है, कुछ बहुत सारे लोग भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि मास्क लगा करके रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित रहना है। सभी भागलपुर वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और वैक्सीन दोनों डोज हो चुका है, और अगर 9 महीने बीत चुके हैं तो तीसरा डोज बूस्टर का जरूर लगवा लीजिए। धन्यवाद। मैं कुणाल कुमार सिंह 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भागलपुर की तमाम देवमयी जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ, और सरकार की गाइडलाइन को पालन करें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हिंदुस्तान के तमाम नागरिक और हमारे वार्ड नंबर 34 की तमाम जनता को शुभकामना है। और मैं अपने वार्ड 34 की जनता से अपील करूंगा कि जिसने भी कोविड वैक्सीन नहीं लिया है वो कोविड वैक्सीन ले लें ताकि सरकार की गाइडलाइन का पालन हो सके। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं खासकर अपने इमामपुर की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी एक दूसरे का के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को सहयोग करें, भाईचारा बना के रखें, ताकि हम लोगों में कभी किसी तरीके का कोई इत्तेफाक न रहे और हम लोग मिलजुल कर हमेशा साथ रहें। 73वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और साथ ही साथ यह रिक्वेस्ट करती हूं कि जिस तरह हम लोग सारे भारतीय एक होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला और देश में गणतंत्र की स्थापना की, उसी तरीके से हम भारतीयों को फिर से एक होना है और देश से कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन जैसे वायरस को बाहर निकालना है और देश में शांति और सुरक्षा वाला वातावरण तैयार करना है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम लोग खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह दें। 26 जनवरी के मौके पर मैं वार्ड नंबर 43 की सभी जनताओं को एवं शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, मास्क पहनें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ ही वेफी संगठन की ओर से अपील करता हूं
कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। तो मेरा नाम चंद्रदीप कुमार, तमाम शहरवासियों को ब्लैकबेरी शोरूम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर तमाम भागलपुर वासियों, बिहार वासियों, देश वासियों को ढेर सारी बधाई। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को ही संविधान बना था। जो भी पड़ोसी तिरंगा पे नजर उठा के देखेगा, उनको हमारे देश के लोग उसको कुचलने का काम करता है। समाज को बचाना है, जिला को बचाना है, और इस हमारे 26 जनवरी और सरस्वती पूजा की सभी को ढेर सारी बधाई। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। इस 73वें गणतंत्र दिवस पर एवं बसंत पंचमी की पूरे भागलपुर शहरवासियों को, बिहार वासियों को एवं पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, कोरोना काल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं चंदन लाल, पूर्व मुखिया सह वर्तमान पंचायत समिति ग्राम पंचायत घोराडी, गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के प्रखंड वासी एवं पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पंकज कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि घोराडी, तमाम पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों, जिला वासियों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं विकास कुमार, प्रखंड लेखापाल मनरेगा घोराडी की ओर से प्रखंड वासियों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, एवं मेरी सभी से यही अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें एवं मास्क का उपयोग करें। मैं गोपाल यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य घोराडी पश्चिमी, सह रंजना भारती, मुखिया पंचायत सारा डहरपुर, हम दोनों की ओर से 26 जनवरी एवं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में आप तमाम पंचायत वासियों को, तमाम प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, आप सभी के बाल बच्चे अच्छे रहे, पढ़े लिखे, इनके लिए भगवान से कामना करता हूं। मैं फरहत परवीन, मुखिया विशनपुर पंचायत धुरैया बांका की ओर से समस्त बिहार वासियों और पंचायत वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रजनीश वर्मा, मुखिया बटसार पंचायत धुरैया बांका की ओर से समस्त देशवासियों, राज्यवासियों और जिले वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं जहांगीर आलम, मुखिया करहरिया पंचायत धुरैया बांका की ओर से समस्त देशवासियों, राज्यवासियों और जिले वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सोनी सिंह, जिला परिषद सदस्य दक्षिणी धुरैया बांका की ओर से समस्त देशवासियों और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं रंजू देवी, प्रखंड प्रमुख धुरैया बांका की ओर से समस्त देशवासियों, राज्यवासियों और जिले वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं श्रीकांत चौहान, थानाध्यक्ष जगदीशपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं घनश्याम मंडल, मुखिया प्रतिनिधि जगदीशपुर पंचायत जगदीशपुर की ओर से तमाम देशवासियों और प्रखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।